टेस्ट में आखिर बार बार क्यों फ्लॉप हो रहे रोहित और विराट? वेल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, दोनों लगातार इन दिनों टेस्ट में फ्लॉप चल रहे, बैक टू बैक। बांग्लादेश सीरीज में ना रोहित चले ना विराट चले, अब ना फिर रोहित चल रहे ना फिर विराट चल रहे। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के सामने 2 रन पर आउट हुए, विराट कोहली तो खाता भी नहीं खोल पाए, और इसीलिए सवाल है कि कितनी बार रोहित विराट होंगे फ्लॉप, क्योंकि इन दोनों के नाम इस मैच में एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जो इनके कद को सूट नहीं करता। ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, तमाम रिकॉर्ड्स बना रखे हैं और इनसे हमारी उम्मीदें अपार हैं। इंडियन टीम के 2 मजबूत स्तंभ हैं रोहित और विराट, लेकिन विराट कोहली, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट क्रिकेट में जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले प्लेयर, नंबर 1 पर विराट कोहली, 2 पर रोहित शर्मा। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि विराट कोहली के साथ टिम साउदी पार्टनरशिप में, वो भी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 विराट और रोहित है। विराट कोहली अब तक टेस्ट क्रिकेट में 38 बार 0 पर आउट हो चुके, 38 times, which is insane, huge. टिम साउदी 38 बार 0 पर, विराट के बराबर ही है, और रोहित शर्मा 33 बार। अब ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है यार, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में दोनों का फ्लॉप हो जाना, बैक टू बैक जाना, इनका फिर फॉर्म में ना आना, ये डिसअपॉइंट करता है। और डिसअपॉइंट ये दोनों भी होंगे आई एम श्योर। रोहित तो खुद कह रहे थे कि भैया मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं यार 46 रन देकर, मतलब मैंने बैटिंग करने का फैसला किया, मेरा जजमेंट जो था वो मिसजज था, मेरे को लग रहा था यार फ्लैट पिच है, पिच विच नहीं पढ़ पाया मैं, गड़बड़ हो गई। लेकिन बड़ी बात ये कि यार अगर आप रोहित की भी लास्ट 5 इनिंग देखोगे तो सिर्फ 1 बार रोहित शर्मा दहाई के आंकड़े पहुंचे हैं। पिछले 5 टेस्ट मैच में रोहित लगातार फ्लॉप रहे, 1 बार डबल डिजिट पे, कोई बड़ा स्कोर नहीं, केवल 23। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 पारियों में तो रोहित शर्मा 44 रन बना पाते हैं, विच डोंट सूट टू हिज पर्सनैलिटी। 2 रन, 8 रन, 23 रन, 5 रन, 6 रन, ये रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं। 5 पारी, 2, 8, 23, 5, 6, टोटल 44, दैट्स इट। उफ, सीरियस क्वेश्चन। रोहित शर्मा ने 2 रन बनाए, 2 कैच भी ड्रॉप हुए, बहुत सारी चीजें हुई। बांग्लादेश सीरीज में भी उनको इश्यू थे, पहले टेस्ट मैच में 6 और 5 रन, सेकेंड टेस्ट मैच में 23 और 8 रन। विराट भाई के नाम तो आज सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड गया, होम ग्राउंड पर थे, हजारों फैंस देखना चाह रहे थे, खबर आ रही थी कि अभिषेक नायर के साथ बहुत सारी बैटिंग प्रैक्टिस की है, चीजें बेहतर करना चाह रहे हैं, विराट इनिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, 37 टाइम वो 0 पर थे, इस मैच में 1 बार और आउट हुए और हाइएस्ट 38 टाइम्स। और टेस्ट में साल विराट लगातार फ्लॉप रहे, लगातार 3 टेस्ट मैच से पहले खेले 157 नंबर आए, शतक वतक तो दूर की बात है, विराट कोहली के नाम इस साल कोई अशतक भी नहीं है। विराट की खराब फॉर्म भी इंडिया के लिए चिंता का सवाल है। रोहित ने इंग्लैंड के सामने रन बनाए थे तो उनको लेकर उनके फैंस थोड़ा सा कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा। बट अगेन, रोहित शर्मा विराट दोनों की फॉर्म सीरियस कंसर्न है। आपको अगर बेंगलोर में गेंदबाज नचा रहे हैं तो फिर पर्थ में क्या होगा, ये सोचकर डर। विराट कोहली नंबर 3 पर 8 साल पहले बैटिंग किए थे, अब आए थे नंबर 3 पर, उनका टेस्ट एवरेज 16 है, हाईएस्ट स्कोर 41। विराट 3 नंबर पर नहीं चलते। इंडिया में सबसे ज्यादा डक करने वाले प्लेयर में जहीर खान 43, ईशांत शर्मा 40, विराट भाई 38, हरभजन सिंह 37, रोहित और विराट ही टॉप पे जा रहे हैं। पहली बार इंडिया 50 के अंदर, कोहली 0, सरफराज 0, केएल 0, तीनों आरसीबी के प्लेयर रह चुके, फिर जड्डू 0, अश्विन 0 जो चले, उनमें बुमराह 1 रन, रोहित शर्मा 2 रन, कुलदीप 2 रन, सिराज 4 रन, जसवाल 13 पर 20, खत्म किया 46 ओवर। न्यूजीलैंड की बैटिंग देखिए, क्या कमाल की बैटिंग किया, इनका फ्लॉप होना इंडिया पर भारी पड़ रहा है।